सत श्री अकाल, साडे यूट्यूब चैनल गिल स्मार्ट स्टडी ते तुहाडा स्वागत है। अज आपां सिंपल इंटरस्ट दे कुछ अगे सम लैके आएंगे, तो इन्हां नूं ध्यान नाल समझणागा। अज दा अपना 11वां क्वेश्चन है जिहड़ा, इफ रेशियो ऑफ प्रिंसीपल एंड अमाउंट, अपना की है मूलधन ते मिश्र धन दोनों का जिहड़ा की हैगा रेशियो हैगा 13 सालों के विच किन्ना हैगा 9:17। तो आपां की करांगे, प्रिंसीपल अमाउंट पी आपां किन्ना मान लांगे 9, अनुपात इन्हों का किन्ना जी ए अपना जिहड़ा की हैगा मिश्र धन हैगा यह हैगा अपने कोल 17। ठीक है जी, उस तो बाद की हैगा अपने 27.5 साल होर इन्हों तो बाद जिहड़ा इन्हों का अनुपात है किन्ना चेंज होजूगा 15:43। ठीक है जी, तो आप की करांगे, देखो मूलधन पहले आप बराबर करांगे। ठीक है जी, अपने को इधर मूलधन 9 हैगा, इतने अपने को 15 हैगा, तो आप इन्हों बराबर करने के लिए देखो की करांगे, इसलिए आप 5 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने को बन जूगा 45। ठीक है जी, यदि 5 नाल मल्टीप्लाई करिए तो इस तरीके 17 की भी आप 5 नाल मल्टीप्लाई करा तो कि बन जूगा 17 × 5 = 85। ठीक है जी, उस तरीके 15 तो आप 45 बना तो 3 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे जी, ये अपने को बन जूगा जी 45। मूलधन बराबर हो गए, यदि आप 3 नाल गुणा करिए 43 की भी 3 नाल गुणा करनी पैनी अपन, तो अपना किन्ना बन जूगा यदा 30 × 9 = 4 × 3 = 12, तो अपने को किन्ना बन जूगा 129। हुण आपां देखिए भी यह जिहड़ा इधरों चेंज होकर आएगा किन्ने साल बाद होएगा, ये टाइम किन्ना लिया इन्होंने 27.5 साल। 27.5 साल के अमाउंट है जी 85 तो किन्नी होगी 129 होगी, तो आप देखते हैं कि भी 27.5 सालों के अपन ब्याज किन्ना मिलेगा, तो आप 129 के 85 घटा देंगे तो अपने को किन्ना आ जूगा 44 रुपए जिहड़ा ब्याज होगा अपन किन्ने टाइम के मिलेगा 27.5 सालों के। आपने पता की करना इस क्वेश्चन के रेट पता करना गा SI का जिहड़ा रेट है, तो अपने पता है रेट का फार्मूला अपने को हुंदा जी, रेट बराबर हुंदा गा सिंपल इंटरस्ट गुणा 100 / मूलधन गुणा टाइम। ठीक है जी, तो आप इन्हों फार्मूले के पुट कर देंगे, SI सिंपल इंटरस्ट किन्ना है अपना जी 44। ठीक है जी, उस तो बाद अपने को गुणा 100 लिखांगे / मूलधन अपना किन्ना बनेगा जी 45, टाइम अपने को किन्ना जी 27.5 साल। 27.5 साल जिहड़ा नीचे पॉइंट हुंदा उहनूं आपां हटा के एक बाद पॉइंट सी तां 1 0 आपां उपर, उस तो बाद आपां इहनां नूं की हैगा जी 25 दे टेबल ते डिवाइड कर देंगे, 25 × 100 जिहड़ी 0 आपां नाल उपर चली जाएगी, 25 नूं 275 दे नाल डिवाइड करांगे तां अपने को की आ जूगा 11 जी, उस तो बाद 11 × 44। ठीक है जी, 45 ते 40 में आप 5 के टेबल से डिवाइड कर देंगे, 9 × 5 = 45, 8 × 5 = 40, उस तो बाद अपने को बचता उपर 8 ते 4 बच गए, इन्हों की गुणा कर देंगे तो अपने को कितना आ जूगा जी 8 × 32, नीचे की बचा अपने को 9 बचे जी, हुण आपां 9 आ जिहड़ा आपां जिहड़ा हैगा 32 नूं की है 9 नाल डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, 9 × 3 = 27, 5 बच जाएंगे अपने को, जिहड़े बाकी बचते हैं आप उपर लिख लेंगे किन्ने नाल डिवाइड किया जी आप 9 नाल, तो अपने को जी कंपाउंड फ्रैक्शन जी है इदा आंसर च आ जूगी, तो अपने को कि बन गया जी 3 / 5/9%, जिहड़ा कि अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जी। हुण आपां अपना सिंपल इंटरस्ट का अगला क्वेश्चन करांगे, क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल इंटरस्ट है जी अपनी साधारण ब्याज हैगी किसी भी अमाउंट मनी पर जी है वो कि अपने को 7480 रुपए, रेट कि अपने को जी सिंपल इंटरस्ट का 18 / 1/3%, टाइम अपना कि जी 4 साल 3 मंथ, मतलब अपने को हैगा मंथ है जेडे आप इन्हों कन्वर्ट करा सालों के, क्योंकि 4 साल अपने को पूरे है 3 मंथ ने जोड़े इन्हों भी अपना साल के कन्वर्ट करा, तो अपना की क्वेश्चन बिल्कुल सौखा है, फाइंड की करना आप प्रिंसीपल अमाउंट। ठीक है जी, आपको पता है जी प्रिंसीपल अमाउंट कि लिख सकते हैं, आप प्रिंसीपल अमाउंट है जी कहदे बराबर होंगी जी सिंपल इंटरस्ट गुणा 100 / रेट गुणा
टाइम। ठीक है जी, तो अपने को सारिया चीज़ों के दिखाई हुई ने, तो अपने को सिंपल इंट्रस्ट लिख लाँगे जी। एस आई कि अपने को 7780 रुपए। ठीक है जी, उस तो बाद अपने को जी रेट कि आर रेट अपने को जी फ्रैक्शन के है, तो आप इन फ्रैक्शन तो सॉल्व कर लाँगे। 18 3 गुणा कर देंगे 54, 54 के एक जोड़िया जी 55, तो आप रेट सिंपल करके लिख लाँगे 55/3%। ठीक है जी, टाइम है जो अपने को टाइम साल के कन्वर्ट करना पैना आप जी। टाइम टी है जो अपने को कि 4 साल अपने को पूरे ने जी, 4 साल प्लस 3 मंथ ने, 3 मंथ में आप करना जी साल के कन्वर्ट करना। साल के कन्वर्ट करने के लिए की करते हैं आप जी, ठीक है जी, 3 मंथ में की डिवाइड कर देंगे आप 12 मंथ दे, तो कट के अपने को कि आजगा 1, इधर आजगा अपने को 4। उस तो बाद की करेंगे आप जी, 4 नाल इस नाल गुणा कर देंगे चुक चुके 16 तो 1 17, तो अपने को बन जूगी 17/4। ठीक है जी, ये अपना जो टाइम आ गया, तो आप फार्मूले पुट करके आप सॉल्व करेंगे। सिंपल इंट्रस्ट जरा 7780 गुणा 100। ठीक है जी, उस तो बाद अपने को आजगा रेट, रेट कि अपना 55/3। ठीक है जी, उस तो बाद अपने को टाइम किन्ना जी 17/4। अपने को बटे के नीचे भी बटे चाह गई रकम, तो अपने को होंगे निचल की गुणा कर लेंगे अपना 4 3 12, तो ये 12 जरा उपर चला जाऊ अपना, ये 12 जरा गुणा च हो गया, मतलब अपने ये जड़े उपर चले गए। उस तो बाद अपने को जी 17 जरा इस डिवाइड करा, तो अपने को आजगा 17 4 6 68। ठीक है जी, तो उस तो बाद अपने को 74 4 5 जे 68 क्डा तो अपने को 6 बच जू, उपरों 8 उतारा तो 68 दुबारे बन जू, तो फिर 17 4 6 68 जी जीरो अपनी नाल चली जाऊ इस। उस तो बाद जी आप की हैगा 5 के टेबल से कट दें इन्हों जी। ठीक है जी, 11 5 55 20 5 100। ठीक है जी, उस तो बाद 11 जरा अपने को ये कट के अपने को कि आजगा 40 आजगा जी। उस तो बाद जी अपने को जी 3 रकम बचिया जी उपर इन आप मल्टीप्लाई कर देंगे जी, कि बन जूगा 4 2 करी जी 8 8 12 करी 96। उस तो बाद अपने को 1 0 इधर है 1 0 इधर है, तो अपने को टोटल नाल 2 0 आ जाएंगे, तो अपना की है जी 9600 मूल धन आ गया, जी कि बी ऑप्शन हैगी है जी। हम आप अपना क्वेश्चन नंबर 13 जरा सॉल्व करा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट होंगे ने जी। तो अपने को दिता है वाई है जो सिंपल इंट्रस्ट है ऑन एक्स से, एंड जैड है जो सिंपल इंट्रस्ट हैगा वाई पर। टाइम अपने को रेट अपने को दोनों चीज़ा जोड़िया ने सेम नहीं है। ठीक है जी, तो आप येगा टाइम तो रेट में जरा बिल्कुल नहीं देखा। ठीक है, सिंपल आप लिख लाँगे एक्स से जो अपने को प्रिंसीपल अमाउंट एक्स है वो सिंपल इंट्रस्ट कि मिलता जी आप वाई मिलता है। जे वाई अपने को प्रिंसीपल अमाउंट हों, वाई अपने को जो प्रिंसीपल अमाउंट हों, तो आप जरा जी जैड सिंपल इंट्रस्ट मिलता है। ठीक है जी, तो अपने को रेट सेम ने, तो आप रेट एक बार फार्मूला लिख लें। ठीक है जी, तो रेट कि अपने को सिंपल इंट्रस्ट गुणा 100/ प्रिंसीपल अमाउंट गुणा टाइम। ठीक है जी, देखो अपने को रेट दोनों के सेम ने, आपने की करना है पहले लिए रेट कटना है दूजे लिए रेट कटना है, दोने बराबर रखने है, तो आप हैगा टाइम भी सेम दिता, तो यह मतलब आप टाइम में भी नहीं लिखा। ठीक है जी, तो अपने को उपर 100 जो सिंपल इंट्रस्ट में गुणा होंगे ये भी नहीं लिखा, तो आप दो चीज़ा जरा लिख लाँगे सिंपल इंट्रस्ट वटा प्रिंसीपल अमाउंट। तो अपने को है पहले लिए जी सिंपल रेट होगा जो अपना सिंपल इंट्रस्ट का वह कि आजगा जी वाई वटे एक्स, ये पहले लिए रेट आ गया। दूजे लिए रेट की आजगा जी अपने को जैड वटे वाई, तो आपको की क्या क्वेश्चन के रेट उन्होंने की है जी बराबर है, तो आप दोनों विचारे बराबर का निशान पा देंगे, तो वाई की वाई नाल गुणा करिए जी वाई की पावर 2, एक्स की जैड नाल गुणा करा तो एक्स जैड आ जाएगा अपने को, यह जो अपना सी ऑप्शन आंसर है। हम आप अपना क्वेश्चन नंबर 14 जरा सॉल्व करा। इफ सम ऑफ मनी, मतलब अपने को है जी
कोई मूलधन है जरा वह की हैगा 2502 रुपए हो जाता है किन्ने सालों के 3 सालों के अपने को मूलधन नहीं दिता है पर यह दसा हुआ है 3 सालों के की हैगा 2502 रुपए हो जाता है तो उही मूलधन है जरा अपना 5.5 साढ़े 5 सालों के 3087 रुपए हो जाता है। रेट अपने को जी सेम है सिंपल इंट्रस्ट का जो रेट है वो अपने को सेम है तो अपने रेट फाइंड करना है तो अपने को प्रिंसीपल अमाउंट नहीं हैगी आप उसमें की लिख लेंगे प्रिंसीपल अमाउंट है जी 3 सालों के 3 ईयर्स 3 साल के कितनी बन जाती है अपने को जी 2502 रुपए ठीक है जी। जे यही अमाउंट है जी आप 5.5 सालों के लिए देखिए जी तो कितनी बन जाती जी अपने को 3087 रुपए तो अपने को है इन दोनों के कि डिफरेंस है जी 2.5 सालों का कि डिफरेंस है जी इन 2.5 सालों का 2.5 साल के अपने को सिंपल इंट्रस्ट कि मिल रही है फिर यदा मतलब अपन सिंपल इंट्रस्ट 2.5 साल के कि है कि मिल रही है आप इस इन घटा देंगे तो अपने को कि बन जूगा जी 3087 के 2502 घटावे तो अपने को कि आ जूगा जी 585 रुपए ठीक है जी। तो अपन सिंपल इंट्रस्ट है जी 2.5 साल के 585 रुपए मिल रही है तो आप 1 साल के सिंपल इंट्रस्ट देख लें जी 1 साल के 1 ईयर सिंपल इंट्रस्ट है जी अपने को कि आ जूगी जी डिवाइड कर देंगे इन्हों 2.5 तो आप नीचे पॉइंट होंगे गया इन हटा के उपर एक 0 लिख दें ठीक है जी। उस तो बाद आप 25 से डिवाइड कर देने 25 × 50 8 बज गए जी उपरों उतारा 5 25 की है 75 10 बज गए जी उपरों एक 0 उतारा तो अपने को बन जूगा 100 तो 25 × 100 तो अपना जो 25 कट के अपना आंसर कि आ गया जी 1 साल के सिंपल इंट्रस्ट है जरा 1 साल के 234 रुपए आ गया जी। 1 साल के इंट्रस्ट है जो सिंपल इंट्रस्ट वो 234 रुपए मिल रहा है तो 3 सालों के अपन कि मिलया होगा तो इन्हों आप 3 गुणा कर देने जी तो इन 3 गुणा कर दी जी आप कि बन जू जी अपने को 3 गुणा करके 702 रुपए बन जू ठीक है जी। तो आप 3 सालों के 702 रुपए जो सिंपल इंट्रस्ट मिलेगा ठीक है जी। तो आप सिंपल इंट्रस्ट में जरा अमाउंट के जो घटा दी तो अपने को निकल जाता है प्रिंसीपल अमाउंट तो आप 2502 के 702 घटावे तो अपने को है प्रिंसीपल अमाउंट है जरा 1800 रुपये आ गया ठीक है जी। तो अपना प्रिंसीपल अमाउंट 1800 रुपये आ गया 1 साल के सिंपल इंट्रस्ट है जरा अपने को कि बनता है 234 तो अपने रेट परसेंट कटना रेट परसेंट का फार्मूला अपने को सिंपल इंट्रस्ट गुणा 100 / प्रिंसीपल अमाउंट गुणा टाइम ठीक है जी। आप टाइम 1 साल के लिए गल कर रहे हैं जी 1 साल के अपन सिंपल इंट्रस्ट कि मिलता जी 234 रुपए गुणा 100 प्रिंसीपल अमाउंट आप कि कर ली जी 1800 ठीक है जी। टाइम आप कह रहे हैं 1 साल लै रहे हैं इतने आप टाइम अपना 1 रह जूगा 2 0 2 0 कैंसल कर देंगे ठीक है जी। उस तो बाद 18 × 1 = 18 ठीक है जी। उस तो बाद अपने को कितना बन जूगा जी 5 उपरों उतारा 4 = 54 18 × 3 = 54 तो आप कैंसल कर तो आप 234 / 18 ना कटे अपने को कितना आ गया जी 13 आ गया तो अपने को 13% जरा रेट आएगा 13% अपने को रेट आएगा। कई बार इस तरह के क्वेश्चन के आपको की है कला प्रिंसीपल अमाउंट भी पूछ लेंगे जे अपने को प्रिंसीपल अमाउंट पूछा हों जी तो आप इतने अपना आंसर स्टॉप कर देंगे ठीक है जी। तो अज आप जो सिंपल इंट्रस्ट के जोड़े 14 नंबर क्वेश्चन तक किए ने जे थोड़ा किसी भी इस डाउट होए तो सूँ कमेंट बॉक्स के पूछ सकते हो। थैंक यू।